हेलो बच्चों क्या हाल चाल आपके कैसे हैं आप देखो आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो आपसे लाइव से जुड़ा हुआ है उसका डिस्कशन करने के लिए आया हूं ये सवाल कई बार आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर मैं सीए या फिर सी एम या फिर सीएस का बच्चा हूं और मैं बीकॉम नहीं कर रहा या फिर सीए एस सीएस एम कर रहा हूँ और साथ में बीकॉम कर रहा हूं या फिर मैं बीकॉम का बच्चा हूं और बीकॉम के साथ सी एस सी में सी एस करना चाहता हूं। वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा या मैं ट्वेल्थ क्लास में हूं और क्या मैं बीकॉम के साथ ये सब करूं कई सारे सवाल आपके निकल के आते हैं आप लोगों के सारे सवाल को मैंने एक जनरल यहां पे आपको दिया हुआ है आपके सवाल बनते कि सर बी कॉम करूँ तो मैं बी कॉम प्रोग्राम करूँ या फिर ऑनर्स प्रोग्राम मतलब जनरल करूँ या फिर ऑनर्स करूँ अगर मैं सी ए सी एम एस सी एस कर रहा हूं तो क्या या फिर मुझे करना है तो क्या इसके साथ बीकॉम भी मुझे करना चाहिए क्या बिना बीकॉम के काम चल जाएगा सिर्फ इनको कर लो क्योंकि ये तो बड़ी डिग्री है आप कहे तो प्रोफेशनल डिग्री है तो फिर इसकी क्या रिक्वायरमेंट सर या फिर सवाल उठता है कि सर मैं पहले बीकॉम कंप्लीट कर लेता हूँ फिर सी ए सी एम एस सी एस जो भी डिग्री चाहू इसके बाद करो ये ऑप्शन ठीक रहेगा क्या या सिर्फ सी ए या फिर सी ए में या फिर सीएस करू तो ही काम चल जाएगा सर या फिर सिर्फ बीकॉम ही रहेगा तो ठीक रहेगा और हाँ अगर सिर्फ बीकॉम ही करना चाहता हूँ तो बीकॉम प्रोग्राम करूँ कि ऑनर्स करूँ अगर मैं इनके साथ बीकॉम को करना चाहता हूँ तो बीकॉम का प्रोग्राम करना ठीक रहेगा कि ऑनर्स करना ठीक रहेगा पहले बी कॉम करना चाहता हूँ फिर सी ए सी ए में सी एस करना चाहता हूँ तो फिर मेरा यहाँ पे प्रोग्राम ठीक रहेगा कि ऑनर्स रहेगा मतलब ये कई सारे सवाल आते हैं

जनरली ये डिग्री करें चाहे ये डिग्री करें थ्री इयर्स का समय आपको लगता है कुछ जगह पे ऑनर्स में फोर इयर्स का टाइम अब हो गया है बट 99% नाइन परसेंट केसेज में थ्री इयर्स थ्री इयर्स दोनों का थ्री है अभी इनकी बातें बाद में करेंगे तीन साल का टाइम लगता है जो सब्जेक्ट्स आपको यहां पे पढ़ने हैं आप बिलीव कीजिए वही सब्जेक्ट्स आपको यहां भी पढ़ने हैं सेम सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया टैक्स हो गया कॉस्टिंग हो गया लॉ हो गया ऑडिट हो गया एफ हो गया इकोनॉमिक्स हो गया मतलब जो चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है सेम चीज आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है सर फिर अगर ऐसा है तो दो अलग अलग नाम क्यों मैं आपको बताऊं। इसमें जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वल वेटेज मिलता है इक्वल वेटेज अकाउंटेंसी भी उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना टैक्स जितना कॉस्टिंग जितना लॉ जितना एफ मतलब इक्वल वेटेज मिलता है यहां पे मेरे बच्चे आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो सेम चलेगा जनरल नॉलेज थर्ड ईयर में जाके आपको कहा जाता है कि आप स्पेशलाइजेशन कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप यहां पे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं चाहे वो अकाउंटेंसी हो चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो फाइनेंस हो चाहे वो टैक्स हो चाहे कॉस्टिंग कई डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट बातें होती है तो जो आपके स्टेट में आपके आसपास जो कॉलेज होंगे वहां से आप जानकारी ले लेंगे और उसके हिसाब से आपका जो जहां इंटरेस्ट बनता है उसके में काम कर सकते हैं अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ये करते हो चाहिए करते हो और आगे आपका मोटिव गवर्नमेंट जॉब में जाना है गवर्नमेंट जॉब हो गए बैंकिंग सेक्टर में जाना है जी अगर उनके एग्जाम देखे एंट्रेंस देकर तो बी प्रोग्राम में बी कॉनर्स में कोई फर्क नहीं है क्योंकि जितने सारे जॉब्स निकलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब्स हो गए चाहे रेलवे का हो क्योंकि आज के टाइम तो जितने मैक्सिमम जॉब जो है अच्छे वाले उनके मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की होती है तो ग्रेजुएशन आपने प्रोग्राम से किया हुआ ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम जो आपने किया प्रोग्राम से चाहे ऑनर से किया फर्क नहीं पड़ता वो बोलते बीकॉम कंप्लीट है ठीक है जी ये एलिजिबल है फिर आप उनका एंट्रेंस इंटरव्यू जो होता है उसको फेस कीजिए और अपने आगे कंप्लीट करें अगर आप मतलब चाहे गवर्नमेंट जॉब में जाना है बैंकिंग हो गया रेलवे हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो उसके लिए मेरे बच्चे ऑनर्स प्रोग्राम का को कोई मतलब ही नहीं बनता वो तो बोलते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए तो दोनों में से कोई कोई भी करे दिक्कत नहीं है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो प्राइवेट सेक्टर में तो ध्यान से मेरी बात सुनना प्राइवेट सेक्टर में दो तरीके का है कुछ मतलब आपके हाईली पेड जॉब मतलब कि हाईली पेड जॉब का मतलब हो गया जहां पे मैनेजमेंट है जहां पे मैनेजमेंट है या फिर आपका क्या जी लोअर लेवल का जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है जहां पे अकाउंटेंट हो गए आप वहां पे मतलब उनका अकाउंटेंट संभाल रहे हो अकाउंटेंसी कर रहे हो वो यहां पे चले गए अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो प्राइवेट सेक्टर में तो पहले बता दूं कि बीकॉम के बेसिस पे चाहे आपने प्रोग्राम किया हुआ है चाहे ऑनर्स किया हुआ है आपको मैनेजमेंट का मतलब मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं यहाँ लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं तो आप भूल जाओ कि टॉप लेवल में आपके पास कोई जाने का रास्ता है चाहे बीकॉम प्रोग्राम करें चाहे ऑनर्स करें बहुत आपको बुरा लगेगा मेरी बात लेकिन मेरी बात सच्चाई है मेरे बच्चे और जितने लोग आज बीकॉम के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं ना आप उनमें से किसी से पूछ कि क्या आज जो बात आपके सर बोल रहे हैं कहीं गलत तो नहीं है और आप वेरीफाई कर लेना मेरी बात आपको बिल्कुल सच्ची नजर आएगी कि अगर आप टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, जहां प्लानिंग होता है वहां पे तो बीकॉम की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कुछ लोग कहेंगे कि यार हमारे कॉलेज में तो प्लेसमेंट के लिए लोग आते हैं और बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों को लेकर जाते हैं कहने की बात है इक्का दुक्का कॉलेज सौ डेढ़ सौ बच्चे टू द मैक्सिमम पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसे लोग ऐसे होते हैं बाकी कोई नहीं होता तो टॉप लेवल तो छोड़ ही दो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे ऑनर्स हो फर्क नहीं पड़ता सबके लिए यहाँ पे आपका जाने को बुलाते हैं कि अगर आपको अकाउंटेंट बनना है जी जूनियर अकाउंटेंट बनना है कुछ ऐसा मैनेजमेंट के अंदर में कुछ करना है तो फिर आपको वहां पर बुला लिया जाता है हाँ अगर फिर भी दोनों में फर्क समझो तो कुछ कुछ हद तक कुछ हद तक जब कैंपस प्लेसमेंट होता है ना कैंपस प्लेसमेंट होता है इनके लिए तो कुछ लेवल तक ऑनर्स वाले बच्चों को प्रेफरेंस मिलता है एज कंपेयर टू बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे वाले बच्चे वाले बच्चे प्रोग्राम मतलब रेगुलर 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 कॉलेज वाले वाले कोर्स बीकॉम तो कुछ हद हाँ तक यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलता है बाकी मेरे बच्चे बीकॉम प्रोग्राम में ऑनर्स में कोई फर्क नहीं है मैं ये क्यों बताना चाहता हूं मैं आपको बता दूं कि आप जब डिसाइड करते हो ना कि यार ऑनर्स लो कि प्रोग्राम लो तो यहाँ पे डिसीजन लेते समय मेरी बात आपको याद उस समय आए आपको अगर मान लो किसी कंपनी के अंदर में आ, आ, किसी कंपनी के अंदर में आपको टॉप लेवल पर जाना है तो बीकॉम के बेसिस पे एंट्री नहीं है एंट्री के लिए वहां पे या तो आपको सीए या फिर सीएमए या फिर सी या फिर एमबीए करना होगा मतलब हाईली जो आपका प्रोफेशनल डिग्री होते हैं जो बड़ी डिग्रीज है उनको ऑप्ट करना पड़ेगा तो पहले मैं इसको मैं क्लियरिफाई कर दू दोनों में फर्क क्या है ये बात आपको समझ में आ गया यानी कि अगर आप में से कोई बच्चा सिर्फ बीकॉम करना चाहता है सिर्फ बीकॉम तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है क्योंकि इनके बारे में सोचना ही नहीं है तो फिर उस केस में अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मेरा पहला प्रेफरेंस ये होगा पहला प्रेफरेंस ऑनर्स को क्योंकि जब हम दो तराजू में जब दो चीज को रखते हैं तो जब एक ही काम करना होता है तो जो जिसका पल्ला भारी होता है ना उसको करना ठीक होता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ऑनर्स आपको करना चाहिए लेकिन किसी अच्छे कॉलेज के अंदर में अगर मान लो कि आपका एडमिशन हो रहा है और वहां पे ऑनर्स के सीट फुल हो चुके हैं तो बीकॉम रेगुलर यानी कि बीकॉम प्रोग्राम में अगर एडमिशन मिलता है तब तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली कॉलेज अच्छा मिलेगा अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे अच्छा सर्कल मिलेगा अच्छा इन्वॉर्वमेंट मिलेगा तो आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ना आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका लीडरशिप क्वालिटी अच्छे बच्चों के साथ बैठना उठना वो आपको मतलब अच्छे एक अच्छा लेवल आपको पहुंचा देगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप अगर सिर्फ बीकॉम कर रहे हो मेरे बच्चे तो ये पहला प्रेफरेंस होगा ये दूसरा होगा लेकिन अगर आपको ये ना मिलके अगर ये मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है तब भी ठीक है लेकिन एक चीज याद रखना जब इस डिग्री को सिर्फ करोगे ना तो आपके अंदर में जो आपके स्किल्स है बाकी के स्किल उनको डेवलप जरूर करना लीडरशिप क्वालिटी कम्युनिकेशन स्किल आपकी पर्सनालिटी आपके मतलब सोचने का तरीका लॉजिकल थिंकिंग उनको स्ट्रांग करना तब आप अच्छी जगह पे जाके प्लेस होते हैं क्लियर ना तो मैंने एक आपको यहां पे बताया कि क्या होना चाहिए अगर इस केस में दो सवाल बच्चे जो हमेशा मुझसे पूछते हैं ये और ये कि सर या तीन सवाल को मैं एक साथ लू कि सर क्या बीकॉम और सीए सी करो या पहले बीकॉम करो फिर सीए सी एम सीएस तो मेरा पर्सनल एडवाइस आपका है कि मेरे प्यारे बच्चों आपको सीए सी ए सी एस और बी कॉम एक साथ करना चाहिए हमारे टाइम पे हमारे सभी पहले के जमाने में पता क्या होता था कि हम उस समय आपका लोग पहले ये कर लो जी फिर ये करो पहले चलता था आज वो नहीं है आज क्या है जी मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं 98 परसेंट बच्चे की बात कर हूं ऑल ओवर इंडिया वो इसके साथ साथ ही इनमें से कोई एक डिग्री ऑफ करते है कोई एक दो डिग्री साथ करना ठीक नहीं है तो बीकॉम करेंगे और बीकॉम के साथ या तो सीए या सी एम ए या फिर सीएस करेंगे दो डिग्री एक साथ सर बर्डन ज्यादा नहीं होगा ना मेरे बच्चे मैं सच्चाई बता रहा हूं कि अगर आप मान लो सपोज दैट इनमें से कोई भी एक डिग्री करते हो मान लो सीए करते हो आप तो सीए में जो आपको स्टडी करना है ना सीए में जो आपको स्टडी करना है वही स्टडी तो बीकॉम के अंदर में भी है जो मैंने अभी नाम लिया ना अकाउंटेंसी टैक्स कॉस्टिंग एफ लॉ ऑडिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा यही चीज बीकॉम में भी है और यही चीज आपका सी एस में सी के अंदर भी स्टडी करना है तो फिर जरा सोचो जब सेम स्टडी करना है तो इसको पहले और इसको बाद में करने का लॉजिक ही नहीं है इनमें जो स्टडी है वो हाई लेवल की है ये सारे सब्जेक्ट्स की जो बात है वो हाई लेवल की स्टडी है तो जब आप हाई लेवल की स्टडी करते हो ना तो बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे ऑनर्स हो हो अपने आप कंप्लीट जाता है उसमें ज्यादा पढ़ने ना पढ़ने कुछ होता नहीं मेरे बच्चे तो तो इसके तरफ अगर आप आप बढ़ते हो हो तो ये डिग्री अपने कंप्लीट जाती है बिलीव कीजिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती और बीकॉम को पास करने के लिए कहां कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट है आप इतने जो बच्चे सीरियस जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका मोटिव है लाइफ के बारे में सोचना एक्चुअली उनके लिए तो फिर अगर वो इसको ऑप्ट करते हैं मेरे बच्चे ये अपने आप कंप्लीट हो जाता है क्योंकि लिटरली बता रहा हूं कि जैसे अकाउंटेंसी इसमें जो लेवल का इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें उसका थर्टी फोर्टी परसेंट फिफ्टी या टू द मैक्सिमम सिक्सटी परसेंट यहां पे लेवल का आपका होता है तो फिर अगर मैं मुझे कोई कहना अगर आज कहे कि सर आप क्या करना पसंद करोगे तो मैं तो इनमें से कोई एक डिग्री ऑफ करूंगा और उसके साथ साथ बीकॉम को मैं सिलेक्ट करूंगा सर बीकॉम में कौन सा प्रोग्राम या ऑनर्स तो मेरा प्रेफरेंस ये होगा प्रोग्राम ऑनर्स नहीं क्योंकि जब दोनों में कंपेयर करूं तो बीकॉम प्रोग्राम थोड़ा छोटे लेवल का है एज कंपेयर टू तो ऑनर्स तो मैं हमेशा जब मैं एक जगह फोकस करना चाहता हूं तो मेरा फोकस अगर इनमें से कोई भी एक डिग्री यानी कि प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर में कोई भी एक डिग्री तो उस केस में मेरे बच्चे दूसरा फोकस मैं थोड़ा बहुत कम रखने की कोशिश करूंगा ताकि मेरा माइंड सिर्फ और सिर्फ क्या करे यहां पे फोकस करे और एग्जाम से दस मिनट पंद्रह सॉरी दस दिन पंद्रह दिन या एक महीना इसकी तैयारी करके आराम से इसको पास कर लो मेरा तो ये स्ट्रेटजी रहेगा सर आपने अपने टाइम पे किया था हमने भी यही काम किया था बच्चे लेकिन पता हम, मैंने मेरे टाइम पे सीए सीएमए जो था ना सी एस सी एस सभी सी एस सीएमए उसमें सीएमए ना बहुत ही मतलब आपका उसका सिलेबस कम हुआ करता था आज सिलेबस कम नहीं है आज सीएमए और सीए का सिलेबस लगभग बराबर है लगभग बराबर है। कहीं कहीं तो सीएमए का सिलेबस ज्यादा है सीए का कम है कहीं पे सी ए का ज्यादा सीएमए कम है तो मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं उन बच्चों के बारे में जो सोच रहे हैं कि सर मैं तो बी कॉम के साथ, साथ साथ सीए प्लस सीएमए दोनों करना चाहता हूं ना मेरे बच्चे ना ये ठीक नहीं है आपको बी कॉम के साथ कोई एक ही डिग्री ऑप करना कोई भी एक जो आपको मन करे जो सीए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर रखा हुआ है सीए वर्सेज सीएमए वर्सेज सीएस तीनों के क्या घाटे फायदे क्या पढ़ना क्या कम है क्या क्वालिटी होनी चाहिए आप उसको देख लेना आप समझ जाओगे उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बीकॉम को अपने साथ आपको ऐड करना क्लियर ना तो कोई एक डिग्री करेंगे जी, प्रोफेशनल उसके साथ बीकॉम और साथ साथ में ही करेंगे साथ साथ में ही करेंगे अलग से नहीं और बीकॉम में भी क्या प्रोग्राम ज्यादा अच्छा रहेगा ये मेरा पर्सनल एडवाइस है करना ना करना आपकी मर्जी एक सवाल आ गया सर क्यों जब सीए सीएम सीए अपने इतनी बड़ी डिग्री है एंड टॉप मैनेजमेंट पे आप करते हो रखा जाता है या फिर MBA वालों को तो फिर मैं वही करूं, फिर करूकॉम क्यों करूं इसका भी बहुत बड़ा रीजन है ना ये डिग्री आपका ये डिग्री अपने में बहुत बड़ी डिग्री है लंबा समय लेगी और इसमें जरूरी नहीं कि आप जो सपने देख रहे हो वो पूरे उसमें होंगे होंगे मतलब आपने सोचा कि मैं यार सीए बन जाऊंगा और बस वही काफी है और सीए बन भी जाऊंगा इसकी हंड्रेड परसेंट की श्योरिटी नहीं है आज जोश अलग है बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आप बिल्कुल मेरी प्रैक्टिकल बात लेना मैं मतलब कोई भी मैं हवा में रह के बात नहीं कर रहा हूं सी हो चाहे सीएमए हो चाहे सी हो हम ज्वाइन तो करते हैं लेकिन इस डिग्री को सब लोग कंप्लीट नहीं करते मेरे बच्चे आप में से वही बच्चे कंप्लीट करेंगे जो स्टार्टिंग से लेकर टिल द एंड फुल मोटिवेशन एक गोल और उस गोल की तरफ दौड़ लगाना ये आपने स्टार्टिंग से एंड तक किया तभी डिग्री आपकी कंप्लीट होगी अगर इसमें कहीं भी आप हटक गए तो फिर ये डिग्री आपकी कंप्लीट नहीं होगी और जरा सोचो अगर ये डिग्री कंप्लीट नहीं होती है और आपने बीकॉम भी नहीं किया तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ क्लास पास बोले जाओगे और जिंदगी में लाइफ में सोसाइटी में दोस्तों के बीच में रिलेटिव्स में कंपनी में कहीं पे कोई वैल्यू नहीं मेरे बच्चे क्लास अगर आप पास है और कोई आप जॉब चाहते हो कोई नहीं पूछने वाला ट्वेल्थ क्लास क्या है इसलिए कहता हूं कि अगर आप इन डिग्रीज को ऑफ करते हो तो इसके साथ साथ इसको ऑफ करो इसको करने का फायदा क्या निकल के आया कि एटलीस्ट आप अगर इनको कंप्लीट नहीं भी करते हो बीकॉम कंप्लीट है और अगर बीकॉम कंप्लीट है तो बीकॉम के बेसिस पे मैं यहां पे जा सकता हूँ बीकॉम के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब में जितने सारे सिलेक्शन है सारे रास्ते आपके पास ओपन है यही नहीं अगर हमें एम करना है एम करना है तो भी बीकॉम की रिक्वायरमेंट होगी ट्वेल्व क्लास के बाद वो भी ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बीकॉम करना ही करना आप इस बात का कसम खा लो अगर आप जोश में अभी कह रहे हो कि नहीं सर मैं तो सिर्फ सीए सिर्� करूंगा और बस काफी है तो ये बेकूफी है ये सिर्फ जोश है और अगर आप कहते हो नहीं सर आप हमें अंडर कर रहे हो मैं तो पक्का है कि मैं सीए निकाल लूंगा तो बहुत अच्छी बात है आप सोचो ना करो ना उसको लेकिन उसके साथ साथ जब एडिशनल डिग्री बिना मेहनत के आपको मिल सकती है तो मैं क्यों ना लू क्यों उस रास्ते को छोड़ो कई सारी ऐसी कंपनीज हैं इंडस्ट्री में आज भी जो कहते हैं कि अगर आप सीए क्वालिफाइड हो सीएमए क्वालिफाइड हो सीएस क्वालिफाइड हो प्लस बीकॉम हो तभी आपको लिया जाएगा है ऐसी सारे नाम गिरा सकता हूं कई सारे प्लेसमेंट अभी निकले हैं कई सारे इनमें जो प्लेसमेंट होते हैं वहां भी कई जगह दिखाई कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए मेरे बच्चे किसी भी हालात में बीकॉम को नहीं छोड़ना है यह मैं आपको आज बताना चाहता हूँ प्लीज मेरी बात मानना यह बहुत अच्छा रहेगा फिर अगला सवाल आ गया सर मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता सर मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम है सौ साल जीना है ना अरे सौ साल एक सौ कई लोग तो एक सौ बीस बीस साल में मरते हैं क्या जल्दबाजी है पहले बीकॉम करूंगा फिर सी एस सी में सीएस जो भी डिग्री मन करेगा पहले बीकॉम करूंगा अच्छी सोच है बहुत अच्छा सोच है कि इतनी बड़ी जिंदगी जल्दबाजी में क्या फायदा आप करो ना फिर वो काम लेकिन फिर भी मैं तो कहूंगा कि ये जो एज जो अभी आपका है ना जो जिस समय आप ये देख रहे हो वीडियो को ये सिर्फ दौड़ लगाने का टाइम है यहां पे अगर आपको सुस्ती होगी कि यार आज आराम से करते हैं कल कर लेंगे तो ये वही आदत है आज सो जाता हूं कल से पढ़ाई कर लूंगा और बदमाश वो कल कभी आता ही नहीं है वो चले जाता है कल 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 फिर पता नहीं कब आएगा और जिंदगी पता नहीं कब से कब कहां से कहां चली जाएगी तो मेरे प्यारे बच्चों अगर डिसीजन लेना है और सपने बड़े हैं तो जबरदस्त जब जब प्लानिंग के साथ आप इसके अंदर एंट्री करो और प्लानिंग यही कहता है इन दोनों को साथ साथ लेके चलना यहां पे अननेसेसरी आप इसमें तीन साल बर्बाद करोगे उन थ्री इयर्स में या तो आप यहां पे इंटर कंप्लीट रहेगा या फाइनल में रहोगे लेकिन आप यहाँ पे इसको तीन साल कंप्लीट किया बिना किसी रीजन के और फिर आप यहाँ ठीक नहीं है uh, सर बीको में कई सारे कॉलेजेस होते हैं जहां पे रेगुलर क्लासेज करनी होती है हम दोनों कैसे अप करेंगे अरे उसके भी उपाय है मैं आगे, आगे आपको वीडियोज में बताऊंगा लेकिन आज कम से कम डिसीजन तो लो आप 99% कॉलेज के अंदर में अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी प्रॉक्सी लगते हैं अच्छे जो कॉलेजेस हैं वहाँ भी जो अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे आप पढ़ाई पर लगो बीकॉम में क्या रखा है मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ी ब्रांड मानी जाती है हमारे इंडिया के अंदर में वहाँ पे भी बी का लेवल पढ़ाई का इतना गंदा हो चुका है ना मेरे बच्चे कि कुछ भी नहीं रखा उसके अंदर में कोई लाइफ नहीं है बस बच्चे सोचते हैं कि बी कॉम करने का मतलब कॉलेज में जाना कॉलेज में खूब सारी मस्ती करना तो अगर आपका वो मोटिव है तब तो मैं रोकता ही नहीं तब तो करो ना पहले खूब सारी मस्ती जिंदगी है लंबी एक सौ डेढ़ सौ दो सौ साल की उसके बाद ये मन करेगा तो करना रच कोई बात नहीं लेकिन जब आपको प्लानिंग करना है और सीरियस लाइफ को लेकर सपने पूरे करने हैं थोड़ा सा जो अभी मेरे घर में चीजें मुझे दिख रही हैं वो पूरी नहीं दिख रही है मुझे उसको पूरा करना है बड़ा चीज रखना है मम्मी पापा के भी हैं उनको भी मुझे आगे लेके चलना है सोसाइटी चेंज करना है सब कुछ चेंज करना है तो उसके मुताबिक आपका डिसीजन भी होना चाहिए है ना बच्चे ओनली सी एस सी में सी एस नो बिकम ये कभी भी मैं एडवाइज नहीं करता बाकी आपकी मर्जी है आपके बहुत सारे दोस्त है बहुत सारे रिलेटिव से बहुत सारे टीचर्स से आप उनसे भी बात करना अगर वो कहें और आपको उनकी बात अच्छी लगी तो आप इसको ऑप कर सकते हैं लेकिन मैं मेरे बच्चे कभी एडवाइज नहीं करता कभी एडवाइज नहीं करता और फिर हमारा बीकॉम अगर सिर्फ करना ही है सिर्फ बीकॉम करना क्योंकि मेरा टारगेट आगे एम करना है मेरा टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है मेरा टारगेट मतलब ऐसा है जहाँ पे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊँ एमबीए कर लूँ तो मेरे बच्चे फिर मैं आपको बोलता हूँ कि ऑनर्स को ऑप्ट करना और अगर ऑनर्स नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं बीकॉम प्रोग्राम भी कर सकते हैं क्योंकि दे हैव इक्वल वैल्यू इन इंडस्ट्री आपका ठीक है ना तो ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई आप इसको सोचे समझे मैं अगले वीडियोज में मैं बीच बीच में आपके साथ ऐसी बातें करते रहूंगा अब और अगले वीडियोज में क्या करूंगा मैं लेकर आऊंगा जहां पे बीबीए एम बी ए बी बी ए बी कॉम ठीक रहेगा सब्जेक्ट्स क्या और डिटेल में कुछ बातें आपका और और सब बातें और मैं तो कहता हूं कि यार इतनी बड़ी डिग्री करने के बाद मतलब सोचो जरा थोड़ी सी मेरी बात आप इतनी सारी डिग्री करने के बाद बी कॉम सी ए सी ए सी एस करने के बाद क्यों क्यों हम हमेशा जॉब के बारे में ही सोचते हैं अरे क्यों नहीं हम सोचते हैं बिजनेस बिजनेस करने करने के के बारे बारे में में क्यों इम्प्लॉय बनेंगे क्यों नहीं इंप्लॉयर बनेंगे अरे इंप्लॉयर क्यों नहीं बनेंगे मैं तो कहता हूं कि क्यों जॉब के बारे में सोचो बिजनेस करो ना बनो ना अपना ब्रांड क्रिएट करो ना सौ लोगों को आप काम दो ना अरे जब भी जिससे बात करो ना ये बदमाश लोग ये जो डिग्री कंप्लीट करते हैं जब इनके डाउट सेशन के टाइम पे बैठता हूँ तो पता है एक सी ए सी में सी का बच्चा क्या बोलता है सर मुझे जॉब अच्छी मिलेगी ना अरे नलायक बदमाश इतना मेहनत करने के बावजूद जब आपने इतना अपने आप को रगड़ लिया फाइनेंस के आप मास्टर बोले जाते हो तो मास्टर बनने के बन, के बाद आप क्या करोगे जी किसी और को सर्विस दोगे अरे क्यों अपना ब्रांड क्रिएट करो आप ऐसा करो कि आऊंगा आगे बात करूंगा और अगले वीडियो में मैं आपको बिजनेस के गुण सिखाने के बारे में बात करूंगा इंप्लॉई और बिजनेस में क्या फर्क है कब मैं इंप्लॉयमेंट की तरफ जाऊं कब मैं बिजनेस की तरफ जाऊं क्या क्वालिटी होगा तो इंप्लॉयमेंट वाला ठीक रहेगा क्या हमारे अंदर क्वालिटी होगा तो बिजनेस की तरफ जाऊं इन सारी बातों पर चर्चा करूंगा और हाँ अगर बिजनेस ही करना है तो पढ़ाई की क्या रिक्वायरमेंट है क्यों पढ़ाई इनके बारे में भी चर्चा करूंगा आज बस इतना ही मेरे बच्चे मिलता अगले क्लास में मतलब करना क्या है क्या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पापा मम्मी भाई बहन दोस्त रिलेटिव जिससे लेकिन करना अपने मन का कल को रिग्रेट ना हो जाए कि उन्होंने कहा था इसलिए मैंने ऐसा कर लिया और लाइफ चौपट कर दी ना मेरे बच्चे ना ये आपको अपना खुद डिसाइड करना है आप बड़े बच्चे हैं आप लाइफ को सोचते हैं और आगे बढ़ेंगे चलिए ऑल द बेस्ट मिलते हैं हम लोग आगे बच्चे थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू बच्चों